दिल्ली कैपिटल वुमेन ने जीता मुकाबला, गुजरात जायंट्स वुमेन टीम को हरा दी है और मुंबई इंडियंस और आरसीबी एलिमिनेटर में भिड़ेगी और दिल्ली पहुंच गई है सीधा फाइनल में। ये जीत के साथ ये भी बड़ा किया है, जहां पर आपको बताएं ये मुकाबले में क्या हुआ। शिफाली वर्मा ने कमाल धमाल किया है, 71 रन की शानदार पारी खेल दिल्ली कैपिटल को फाइनल में जगह बनाया है और एकदम टॉप में जाकर ख़त्म किए हैं। जहां पर गुजरात जायंट्स की बात करें तो 126 पे 9 विकेट गिरे, आप पूरा 20 ओवर वो खेल पाए, जहां पर 42 रन फिल्म ने बनाया था, 28 ट्रेसी ने, 21 लिच के खाते में भी थी, 12 ग्रैडनर के खाते में, बाकी और कोई का प्रदर्शन सही था नहीं। 2 विकेट मैन के खाते में थी, 2 विकेट पांडे के खाते में भी, कैपी के खाते में भी 2 सफलता नजर आई। बताएं दिल्ली कैपिटल्स की जब आई बल्लेबाजी तो 18 कप्तान लैनिंग ने बनाया, शिफाली वर्मा 71, शून्य पे जरूर कैप्सिव आउट हुई लेकिन रॉड्रिक्स ने 38 रन बनाया 28 बॉल के अंदर और मैजिंग कैप्पा ने उनको गेम खेलने का दरकार पड़ा नहीं। और 2 विकेट से 2 विकेट चटकाया कैरन राणा ने और 3 टोटल में विकेट गिरा, तो 7 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबले को अपने नाम किया। अभी आप देख रहे हैं क्रिप्टो तारमन, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।